इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी ब्राउजर पे चले लेना है। ये मैं गूगल पे यहाँ पे चलाया, यहाँ पे जाकर आपको टाइप करना है आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल, AYUSHMAN आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट। यहाँ हमने सर्च करना है दरभंगा जिला का, अगर आप किसी भी सेक्टर में हैं, किसी भी जिला में हैं, तो वहाँ से आप अपना आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट इन पटना, यहाँ पे जाकर के आप पटना के लिए सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे जाकर के अलग अलग पैरामीटर में ये आपको दिख रहा है, दिल्ली में सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे हम दरभंगा के लिए सर्च कर रहा पड़ेगा क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं यहाँ पे फिर ज़्यादातर लोकल कस्टमर दरभंगा के हैं। यहाँ आप सबसे पहला जो वेब पेज है ये वाला, इसको आपने ओपन करना है। इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे ये दरभंगा का आयुष्मान कार्ड पैनल खुल गया। अगर इसमें आप कुछ और भी चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट भी चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ हमें दरभंगा का भी देना है। दरभंगा बेसिकली 17 हॉस्पिटल हैं जो आयुष्मान कार्ड के पैनल पे हैं। ये देखिए अमृत नर्सिंग होम है, यहाँ पे आप इलाज कर सकते हैं। नेट पे इसका नंबर निकाल लें, दरभंगा चिल्ड्रन हॉस्पिटल, IM स्मृति आरोग्य समाधान, जागिंदर, यहाँ देखिए जागिंदर मेमोरियल, उसके बाद है महावीर नेत्रालय, उसके बाद है प्रावल पारस ग्लोबल हॉस्पिटल, उसके बाद है प्रसाद पॉली क्लिनिक, प्राइमरी हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, RRI हॉस्पिटल, अगर आँख दिखाना है आपको तो यहाँ भी दिखा सकते हैं RRI हॉस्पिटल, ठीक है। सरफ ऑर्थो स्पाइन एंड मेंटेरियल सेंटर, शेखर नेत्रालय, अगर आँख आपको दिखाना है गले से ऊपर का कुछ भी चेक कराना तो आप यहाँ पर शेखर नेत्रालय में दिखा सकते हैं। बेसिकली आँख के डॉक्टर ज़्यादा अच्छे हैं यहाँ पे। शुभम नर्सिंग होम, श्यामा सर्जिकल संस्थान, श्री साई हॉस्पिटल, श्री विश्वधाम हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, ये देखिए सारे हॉस्पिटल जो दरभंगा के हैं वो आपको यहाँ पे दिख गए। अब किसी एक हॉस्पिटल का आपको सारा डिटेल जाना है, उस पर आप जाकर के क्लिक करेंगे किसी भी एक हॉस्पिटल पे, यहाँ पे देखिए ये हॉस्पिटल का आ गया, जो भी आपका हॉस्पिटल है इसके कॉन्टैक्ट नंबर आ गए, इसका एड्रेस आ गया। अगर इस हॉस्पिटल पे आपको जाना है, किसी भी हॉस्पिटल पे, जैसे श्यामा सर्जिकल पे आपको जाना है, ठीक है, श्यामा सर्जिकल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ श्यामा सर्जिकल हो गया संस्थान, ये ना हॉस्पिटल एट दरभंगा, ये आपका एड्रेस हो गया कचरबाड़ी दरभंगा, ये इसका मोबाइल नंबर, डायरेक्टली आप यहाँ से बात कर सकते हैं। तो बेसिकली जिनके पास भी आयुष्मान कार्ड है वो घबराए नहीं, अपने मोबाइल से आप किसी भी मोबाइल से आप गूगल पे जाकर के सर्च करके बड़ा इजी प्रोसेस से ये हॉस्पिटल का पता करें और अपना स्वस्थ तरीके से इलाज कराएं। अगर आपको दरभंगा में नहीं किसी और जगह पे, यहाँ देखिए श्यामा सर्जिकल दरभंगा राज्य के बिहार के कथरावली शहर में एक प्रसिद्ध अस्पताल है, वर्ष 2011 में संचालित दरभंगा के अग्रणी स्वास्थ्य सेवा प्रदान में से एक है। तो श्यामा सर्जिकल कोई नया नहीं है, चाहे जो आपको, अगर मान लीजिए ये सूट नहीं कर रहा आपके हिसाब से, जो भी सूट कर रहा है, यहाँ देखिए शुभम शेखर नेत्रालय, अब यहाँ के देखिए पारस ग्लोबल हॉस्पिटल है, इस पर आप चले गए पारस ग्लोबल हॉस्पिटल पे, यहाँ देख लीजिए आपका पारस का डिटेल आ गया, ये कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, ठीक है, लोकेशन ये है ना ललपट्टी लहरिया से दरभंगा, ये एड्रेस आ गया, इसका 24 आवर्स ओपन है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। आप यहाँ से जाकर के ईजिली वन स्टेप में, अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है, बिना किसी देर लगाए आप अपने मोबाइल पर जाकर के ये सर्च कर लें। क्या सर्च करना है आपको, ये मैं फिर से एक बार बता दूँ, आयुष्मान कार्ड हॉस्पिटल लिस्ट दरभंगा, अगर आप दरभंगा जिला से हैं, दरभंगा से बाहर जिस भी जिले में हैं, यहाँ पर हॉस्पिटल लिस्ट के बाद आपको क्या लिखना है, जैसे आपने समस्तीपुर का समर्थ करना है, ये लिख दिया हमने समस्तीपुर, समस्तीपुर जैसे हमने सर्च कर लिया, अब यहाँ देखिए समस्तीपुर के सारे हॉस्पिटल पैनल आ गए, यहाँ पे जो भी हॉस्पिटल्स हैं ये सारे आ जाएंगे इसमें आपको, यहाँ देखिए समस्तीपुर के जो भी हॉस्पिटल्स हैं आपका, ये सारे हॉस्पिटल्स आ गए आपको समस्तीपुर में। यहाँ आप चले जाइए, इसमें नहीं दिख रहा, इस ऊपर वाले पैनल पे आप जाएंगे, यहाँ देखिए समस्तीपुर में भी आपको 17 हॉस्पिटल दिखा रहा है आपको, अब ये 17 हॉस्पिटल, या तो इसके सॉफ्टवेयर में ही 17 हॉस्पिटल दिखा रहा है, तो अब 17 हॉस्पिटल इसमें देख लें, ये देखिए RB मिश्रा हॉस्पिटल, हॉप हॉस्पिटल, JS हॉस्पिटल, जीवन सार्थ हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, ये है ना कमला इमरजेंसी हॉस्पिटल, लाइफ केयर हॉस्पिटल,
मिथिला अंख हॉस्पिटल, ये जो भी है आपका मुस्कान सेवा सदन, ये सारी चीज़ें आ गई आपकी, श्याम सिद्धू सदन, जो भी हॉस्पिटल आपको इलाज कराना है, जो भी आपको सुविधाजनक है, यहाँ पे आप हॉस्पिटल को चेक करें, पैनल को यहाँ पे चेक कर लें, पहले आप कॉल करके कंफर्म कर लें जो भी आपको इलाज कराना है, जिससे संबंधी यहाँ पे इलाज हो जाएंगी। आप अगर ज़्यादातर कस्टमर्स यहाँ पे आई वाले हैं तो समस्तीपुर आई हॉस्पिटल में जाएंगे, यहाँ पे कॉल पे जाइए आप, ये नंबर आ जाएगा आपका, या यहाँ आइए श्यामा आई हॉस्पिटल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर गए आप, अब यहाँ पर कॉल पर सीधा यहाँ पर जाकर टच करेंगे आप, सीधा कॉल हो जाएगा डायरेक्टली। अब आप यहाँ पे कॉल करके कंफर्म कर लें आपका हॉस्पिटल में इलाज होगा, क्या है प्रोसेस, क्या नियम है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पता करके आराम से आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो इस तरह देखा आपने किस तरह से आयुष्मान कार्ड का हॉस्पिटल लिस्ट आप निकाल सकते हैं इसमें वेबसाइट पे किसी भी जिला का, और डायरेक्टली आप वहाँ जा करके इलाज करा सकते हैं। इसी तरह का वीडियो और भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।